नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है क्लास जो है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी AGTA UPPSC DHO एंड STA और NSC और IUPSC की आप तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से। आपके डेली जो है एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज कोई प्रमोशन ऐड नहीं किया है, डायरेक्टली हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हैं जो 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइव स्टॉक रिप्रोडक्शन व्हाट इज द सुपर ओव्यूलेशन, पशुधन प्रजनन के संदर्भ में सुपर ओव्यूलेशन क्या है, सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है। ऑप्शन ए है, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ सर्टेन ब्रीड्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफस्प्रिंग इन अ सिंगल बर्थ, कुछ नस्लों की एक ही जन्म में कई संतान पैदा करने की प्राकृतिक क्षमता। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है आपका, अ हार्मोनल ट्रीटमेंट टू इंड्यूस अ काउ टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग्स ड्यूरिंग द एस्टर साइकिल, मध चक्र के दौरान गाय को कई अंडे पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक हार्मोनल उपचार है। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टू इंक्रीज कंसेप्शन रेट इन मेयर्स, घोड़ियों में गर्भधारण दर बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग। ऑप्शन डी है, अ ब्रीडिंग मेथड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्विन इन सी, भेड़ों में एक जैसे जुड़वा बच्चे पैदा करने के लिए प्रजनन विधि। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी या फिर डी, पशुधन प्रजनन के संदर्भ में सुपर ओव्यूलेशन क्या कहलाता है। बेसिकली जो आपको मतलब कि ये कहे कि ओव्यूलेशन वह है जिसमें आपको मतलब कि एक अंडे को पैदा करना है, या फिर कहें कि जो आपका गाय का ओव्यूम है उसमें, या फिर कहें कि आपके जो है एक बच्चे का डेवलपमेंट होना, ठीक है, वो आपका ओव्यूलेशन कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर ओव्यूलेशन क्या होगा आप लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, जो ई एफ तो नहीं है, ए बी सी डी है। और एक चीज और बता दीजिए, साउंड क्लियर है क्या, आवाज क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ए बी सी या डी क्या होगा सही उत्तर यहां पर, बात करें यहां सही आंसर की तो यहां पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अ हार्मोनल ट्रीटमेंट टू इंड्यूस अ काउ टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग ड्यूरिंग द एस्टर साइकिल, मतलब कि मध चक्र के दौरान गाय को कई अंडे पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए हार्मोनल उपचार जो होता है वो आपका सुपर ओव्यूलेशन। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ट्विंस भी और ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं तो वो आपका यही होता है, जो आपका सुपर ओव्यूलेशन, मतलब कि सिंगल है तो ओव्यूलेशन, और आपका अगर ये डबल हो रहा है, ट्रिपल बच्चे हो रहे हैं तो आपका क्या कहते हैं, सुपर ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हाट प्लांट प्रोपगेशन मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्लांट कटिंग, किस पौधे के प्रसार की विधि में पौधे की कलमों का उपयोग शामिल है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इजी क्वेश्चन है ये, कुछ लोग पहले से जानते हैं इसका आंसर। ऑप्शन ए है ग्राफ्टिंग, बी लेयरिंग है, सी बडिंग है और डी आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वनस्पतिक प्रवर्धन। जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। व्हाट प्लांट प्रोपगेशन मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्लांट कटिंग, किस पौधे के प्रसार की विधि में पौधे की कलमों का उपयोग शामिल है। ए ग्राफ्टिंग, बी लेयरिंग, सी आपका बडिंग है, डी आपका वेजिटेटिव प्रवर्धन है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी क्या होगा आंसर। नमस्ते शिवम जी, आंसर कीजिए शिवम जी,
बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेसिकली ग्राफ्टिंग होगा नहीं, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाट प्लांट प्रोपगेशन मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ कटिंग्स। कटिंग्स का प्रयोग तो हम बेसिकली आपका जैसे बडिंग है तो उसमें भी कहते हैं, ग्राफ्टिंग भी करते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर कहें आपका वनस्पति प्रवर्धन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ डज नैनो यूरिया डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल यूरिया इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज। पोषक तत्व जारी करने की दृष्टि से नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन ए नैनो यूरिया रिलीज न्यूट्रिएंट मोर क्विकली, नैनो यूरिया जो है अधिक तेजी से पोषक तत्व जारी करता है। ऑप्शन बी है नैनो यूरिया रिलीज न्यूट्रिएंट मोर स्लोली, नैनो यूरिया अधिक धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ता है। ऑप्शन सी है नैनो यूरिया कंटेंट नो न्यूट्रिएंट, नैनो यूरिया में कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ऑप्शन डी है नैनो यूरिया रिलीज न्यूट्रिएंट एट द सेम रेट एज ट्रेडिशनल यूरिया, नैनो यूरिया जो है पारंपरिक यूरिया के समान ही पोषक तत्व जारी करता है। बताइए आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी, क्या हुआ सही उत्तर। बेसिकली जो आपका नैनो यूरिया बेस्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इफ्को ने लाया है अपने इंडिया में, ठीक है। तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आपको मार्केट में मिल जाता है, इसमें जो है आपका जो आपका मतलब कि न्यूट्रिएंट आपके जो एक बोरी में होते हैं या फिर एक कट्टे में होता है जो 45 केजी का होता है, 45 किलो का होता है जो, ठीक है, एक कट्टा, उसमें जो आपकी मतलब ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो आपका मतलब कि एक बॉटल या फिर कहें आपका एक जो आपकी 500 ml की बॉटल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। बी आंसर कर रहे हैं आप, देखते हैं, बिल्कुल सही है नैनो यूरिया रिलीज न्यूट्रिएंट मोर स्लोली, नैनो यूरिया क्या है अधिक धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है विच जीन मॉडिफिकेशन टेक्निक अलाउ फॉर द प्रिसाइज इंसर्शन डिलीटेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक जीन इन प्लांट जीनोम्स। कौन सी जीन संशोधन तकनीक पौधों के जीनोम में विशिष्ट जीन के सटीक सम्मिलन विलोपन या प्रतिस्थापन की अनुमति देता है। ऑप्शन ए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर कहें दैहिक संकरण। ऑप्शन बी है यहाँ पर पॉलीप्लॉइड इंडक्शन या पॉलीप्लॉइड प्रेरण। ऑप्शन सी है सोमा क्लोनल वेरिएशन या सोमा क्लोनल भिन्नता। ऑप्शन डी CRISPR-Cas9। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। विच जीन मॉडिफिकेशन टेक्निक अलाउ फॉर द प्रिसाइज इंसर्शन डिलीटेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक जीन्स इन प्लांट जीनोम, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। यहां पर बच्चों बात करें सही आंसर की, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाता है CRISPR-Cas9, ठीक है, CRISPR-Cas9 जो है आपका जो जीन है या फिर कहें जो आपका जो जीन संशोधन तकनीकी है उसका प्रयोग जो है जीनों में विशिष्ट जीन के सटीक सम्मिलन विलोपन व प्रतिस्थापन की अनुमति देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है CRISPR-Cas9। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इन प्लांट ब्रीडिंग व्हाट टर्म डिस्क्राइब द ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। पादप प्रजनन में कौन सा शब्द दो अनुवांशिक रूप से भिन्न माता पिता के संकरण से उत्पन्न संतान का वर्णन करता है। ऑप्शन ए म्यूटेंट्स उत्परिवर्ती, ऑप्शन बी हाइब्रिड्स, ऑप्शन सी वैरायटीज, ऑप्शन डी क्लोन्स, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर। इन प्लांट ब्रीडिंग व्हाट टर्म डिस्क्राइब द ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। पादप प्रजनन में कौन सा शब्द दो अनुवांशिक रूप से भिन्न माता पिता के संकरण से उत्पन्न संतान का वर्णन करता है। ए म्यूटेंट्स, बी हाइब्रिड्स, सी वैरायटीज या फिर डी आपका क्लोन्स। बेसिकली यहाँ पर देखो कह रहा है टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, तो दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स किसमें होते हैं आपके, जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। यहां पर बात करें यहां सही उत्तर की, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हाइब्रिड। बेसिकली जो आपके मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट पेरेंट्स अगर कि हम
क्रॉस कराते हैं वो संकर कहलाते हैं, हाइब्रिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि पादप प्रजनन में कौन सा शब्द दो अनुवांशिक रूप से भिन्न माता पिता के संकरण से उत्पन्न संतान का वर्णन करता है, तो वो है आपका क्या, हाइब्रिड्स या फिर संकर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, हाइब्रिड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विच कैटल ब्रीड इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट व्हाइट फेस एंड इज ऑप्टन रेज फॉर बीफ प्रोडक्शन। मवेशियों की कौन सी नस्ल अपने विशिष्ट सफेद चेहरे के लिए जानी जाती है और अक्सर गोमांस उत्पादन के लिए पाली जाती है? ऑप्शन ए होलिस्टियन, ऑप्शन बी एंगस, ऑप्शन सी हेरेफोर्ड, ऑप्शन डी है यहाँ पर ब्राह्मण। कौन सी ब्रीड है, विच कैटल ब्रीड इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट व्हाइट फेस एंड इज ऑप्टन रेज फॉर बीफ प्रोडक्शन। मवेशियों की कौन सी नस्ल अपने विशिष्ट सफेद चेहरे के लिए जानी जाती है और अक्सर गोमांस उत्पादन के लिए पाली जाती है? ए बी सी डी, जल्दी से आंसर कर दो, आप लोग लाइव है जुड़े हुए लेकिन आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, गलत कीजिए लेकिन आंसर कीजिए आप लोग। देखो यहाँ बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है हेरेफोर्ड। बेसिकली आपको पता है होलिस्टीन हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, या फिर कहें अधिक दुग्ध उत्पादन है, एक है अधिक दुग्ध उत्पादक है। ठीक है, कौन, होलिस्टीन फ्रीजन। लेकिन जो आपकी हेरेफोर्ड है, हेरेफोर्ड जो ब्रीड है, सामने आपको जो पिक लगी हुई है, ठीक है, हेरेफोर्ड ब्रीड का जो चेहरा होता है या फिर ये कहे कि आपका जो जो आपका फेस होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है या फिर सफेद होता है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका गोमांस उत्पादन या फिर कहें आपका बीफ के लिए प्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, विच फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट इज डेवलप्ड इन ईयर 1982। कौन सा पहला अनुवांशिक रूप से इंजीनियर पौधा वर्ष 1982 में विकसित किया गया, या फिर कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड, या फिर कहें जेनेटिकली इंजीनियर जो आपका प्लांट है कौन सा डेवलप किया गया था या फिर ये कहें निकाला गया था, तो वो है आपका ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट टोमेटो या फिर कहें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी टमाटर, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बीट या फिर कहें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गेहूं, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट पोटैटो या फिर कहें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी आलू, ऑप्शन डी है यहाँ पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको या फिर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंबाकू। जल्दी से आंसर कर दो, कौन सा जो है पहला अनुवांशिक रूप से, ये जो है क्वेश्चन आपका जो है इपको में पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपका जो है अभी जो MP REU का पेपर हुआ था, सॉरी ADO का पेपर, उसमें भी क्वेश्चन था, और आपका 2021 में AFO में भी एक सेम मतलब क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट था, क्वेश्चन सेम था। तो बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा आंसर यहाँ पर, विच फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट इज डेवलप्ड इन ईयर 1982, कौन सा पहला अनुवांशिक रूप से इंजीनियर पौधा वर्ष 1982 में विकसित किया गया, ए बी सी डी या फिर डी, क्या ये ऑप्शन नहीं है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बात करें यहाँ सही आंसर की बच्चों, तो यहाँ सही आंसर है आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको या फिर कहे आपका एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंबाकू। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंबाकू, तंबाकू की पहली किस्म या फिर कहे विश्व में पहली किस्म जो निकाली गई थी ना जेनेटिकली इंजीनियर या फिर कहे जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो आपको 1982 में तंबाकू की ही निकाली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको या फिर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंबाकू सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, द टर्म एम्फीमिक्सिस रिफर्स टू, एम्फीमिक्सिस शब्द का उल्लेख है ऑप्शन ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, अलैंगिक प्रजनन जो निषेचन के बिना होता है, ऑप्शन बी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स टू फॉर्म अ जायगोट, लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, ऑप्शन सी है वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड स्पीसीज या फिर वनस्पतिक रूप से प्रचारित प्रजातियां, ऑप्शन डी है हेटरबेल्टियोसिस, हेटरबेल्टियोसिस, बताइए आंसर क्या होगा। द टर्म एम्फीमिक्सिस रिफर्स टू, एम्फीमिक्सिस क्या दर्शाता है या फिर किस शब्द का उल्लेख, मतलब एम्फीमिक्सिस शब्द का उल्लेख क्या है। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो बेसिकली जो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन जो आपका अलैंगिक प्रजनन जो बिना निषेचन के होता है उसे तो हम क्या कहते हैं,
सॉरी उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है, क्योंकि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स टू फॉर्म अ जायगोट, लैंगिक प्रजनन दो अलग अलग युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, वो है आपका एम्फीमिक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है, एम्फीमिक्सिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स टू फॉर्म अ जायगोट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, विच ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिलीज फ्रॉम मार्शेस एंड वेटलैंड्स, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः दलदलों और आर्द्र भूमियों से निकलती है। ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है O3। जल्दी से आंसर कर दो आप लोग, क्या होगा सही उत्तर यहां पर, ABCD। विच ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिलीज फ्रॉम मार्सिस एंड वेटलैंड, मार्सिस मार्सी या फिर मार्सिस या फिर मार्सी सॉइल जिसे कहते हैं, ठीक है। दलदलों और आर्द्र भूमियों से निकलने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जल्दी से आंसर कर दो, ABC या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहां पर, N2O होगा, CH4 होगा, या फिर कहें CO2 या फिर O3। बी बिल्कुल सही अंजलि जी, यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया CH4, जो आपका मुख्यतः कौन सी जो ग्रीन हाउस है गैस है वो आपकी दलदलों या फिर आर्द्र भूमियों से निकलती है, वो है आपकी CH4 या फिर कहे आपका अमोनिया, मीथेन, वो NH4 होता है, अमोनिया NH4 होता है, मीथेन जो है आपकी जो मुख्य गैस है कहाँ से निकलती है, आपकी दलदलों और आर्द्र भूमियों से निकलती है, ठीक है। तो मीथेन गैस जो है आपकी आर्द्र भूमियों या दलदलों से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, येलो मस्टर्ड पेस्ट बाज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, पीली सरसों का पेस्ट निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुआ है, यह क्वेश्चन आपका इफ्को में पूछा गया है, इफ्को AGT में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी अभी जो आपका अभी एग्जाम हुआ था इफ्को का। ऑप्शन ए है इंडिया या भारत, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। येलो मस्टर्ड पेस्ट बाज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, पीली सरसों का पेस्ट निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुआ था, ऑप्शन ए इंडिया, भारत, बी चाइना, सी USA या डी अफगानिस्तान। जल्दी से आंसर लिख दीजिए आप लोग, चाहे गलत आंसर लिखिए लेकिन लिखिए आंसर, ठीक है। तो बात करें यार सही उत्तर की, तो पीली मस्टर्ड का जो पेस्ट है या फिर कहें आपका जो पीली सरसों का जो पेस्ट है वो आपका चाइना से जो है, कहां से उत्पन्न हुआ था आपका, चाइना से या फिर चीन, यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका चीन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सोइंग चिकपी, चने की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर है, ऑप्शन ए 200 kg, ऑप्शन बी है यहाँ पर 75 से 100 kg, ऑप्शन सी है 125 से 150 kg, ऑप्शन डी 50 से 75 kg। जल्दी से आंसर कर दो, इसका तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अभी अभी हमने जो है क्रॉप्स पढ़ाई थी आपको क्लास में, ठीक है, तो उसमें आपको इसका मतलब सीड रेट बताया था आपको चने का। ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सोइंग चिकपी इज, चने की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर है, ए 200 kg, बी 75 से 100 kg, सी है आपका 125 से 150 kg, डी ऑप्शन है आपका 50 से 75 kg। यहाँ पर एक हेक्टेयर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका केजी प्रति जो बीज दर हो रही है वो आपकी एक हेक्टेयर की बात हो रही है, प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति एकड़ मत काउंट कर लेना, प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है। डी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 75 से 100। बेसिकली हमने बताया था आपको 75 से 80, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ जो सीड रेट है वो 75 से 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50 से 75 तो बेसिकली नहीं होगा क्योंकि ये कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखो 75 से 100 देखोगे तो ये आपका इसके आसपास का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 12 है, स्टेट हैविंग द हाइएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट इज, बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन वाला राज्य है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश,
बी राजस्थान, सी है आपको उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट इज आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कहे मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ये तो आप लोगों को पता होगा, अगर कि आपने जो है जनरल एग्रीकल्चर के नोट्स पढ़े हुए हैं, उसमें आपको एक कृषि सांख्यिकी के नाम से पोर्शन दिया हुआ है, उसमें आपको पूरा दिया हुआ है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर पर्ल मिलेट का है, कहाँ पर आपका मतलब कि गेहूं का है, और एरिया भी कहाँ पर किसका ज्यादा है, वो सब आपको वहां पर डिटेल दी हुई है, आप लोग नोट्स को देखिएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट इज, बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन वाला राज्य, ये तो आप इजीली बता सकते हो, राजस्थान, अंजलि जी ने आंसर कर दिया है, बिल्कुल सही अंजलि, आंसर आपका सही है। राजस्थान जो है आपका एरिया एंड प्रोडक्शन में पहले स्थान, पहला स्थान रखता है, किसके, बाजरा के उत्पादन में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट वैरायटी आर डेवलप्ड बाय यूजिंग, मिश्रित किस्मों का उपयोग करके विकास किया गया जाता है, ऑप्शन ए क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा या पर परागण द्वारा, जो आपकी मिश्रित किस्म है कंप्लीट वैरायटी हमको डेवलप कैसे किया जाता है, ऑप्शन ए क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण द्वारा, ऑप्शन बी है एडवांस जनरेशन सीड मिक्सचर ऑब्टेन फ्रॉम हाई यील्डिंग इंटर वैरायटियल और इंटर रेसियल क्रॉसेस, उच्च उपज देने वाले अंतर जातीय और अंतर जातीय संकरण से प्राप्त उन्नत पीढ़ियों के बीच मिश्रण, ऑप्शन सी है हाइब्रिड फ्रॉम ओपन पॉलिनेट वैरायटी या खुली परागित किस्म से संकर, ऑप्शन डी है कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्रोडक्शन पूरक जीन उत्पादन से। कंपोजिट वैरायटीज आर डेवलप्ड बाय यूजिंग, मिश्रित किस्मों का किसका उपयोग कर जो है विकसित किया जा सकता है, यहाँ पर किसका उपयोग कर जो है कंपोजिट वैरायटी को डेवलप किया जा सकता है, ए क्रॉस पॉलिनेशन, बी एडवांस जनरेशन सीड मिक्सचर ऑप्शन फ्रॉम हाई यील्डिंग इंटर वैरायटियल और इंटर रेशियो क्रॉसेस, और ऑप्शन सी है हाइब्रिड फ्रॉम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्रोडक्शन। बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपका एडवांस जनरेशन सीड मिक्सचर्स ऑप्टेन फ्रॉम हाई यील्डिंग इंटर वैरायटियल और इंटर रेशियल क्रॉसेस या फिर उच्च उपज देने वाले अंतर जातीय या अंतर जातीय संकर से प्राप्त उन्नत पीढ़ी के बीज जो के मिश्रण जो है कंपोजिट वैरायटी या फिर जो आपको मिश्रित वैरायटी को डेवलप करने में क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर क्रॉप इज, फसलों के लिए वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन ए रेन या फिर वर्षा, ऑप्शन बी फॉग कोहरा, ऑप्शन सी डी व ओस, ऑप्शन डी मिस्ट। देखो प्रेसिपिटेशन या फिर प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जिस भी फॉर्म में आपका ऊपर से पानी आपका चाहे आइस के फॉर्म में हो, चाहे धुंध के फॉर्म में, या मिस्ट के फॉर्म में, चाहे ड्यू के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो है आपका ऊपर से जब आपका कोई भी फॉर्म में पानी नीचे आता है वो आपकी प्रेसिपिटेशन कहलाता है, बेसिकली वर्षा इसे कहते हैं। ठीक है, इसे वर्षा नहीं ना कहके वर्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं, वर्षा ना कह के क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आपका जो पानी का आसमान से नीचे आना या फिर कहें आपके बादलों से नीचे आना, वो आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन, चाहे वो आपके रेन में के फॉर्म में हो, चाहे फॉग के फॉर्म में, चाहे ड्यू के, चाहे आपका मिस्ट के फॉर्म, या चाहे आपके जो है बर्फ के फॉर्म में या ओले जैसे आपने गिरते हैं ना, तो वो भी आपका एक प्रेसिपिटेशन का ही फॉर्म है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में जो है पानी का नीचे आना आपका प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो बताइए कि फसलों के लिए वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण रूप कौन सा होगा, वर्षा होगी, रेन होगी, फॉग कोहरा होगा, ड्यू ओस होगी, मिस्ट या धुंध होगी। ये तो इजी आंसर है ना, जल्दी से कर दीजिए ए बी सी डी जो भी आपका सही उत्तर है। आज जो है आपको न्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला तो था कि एग्रोनॉमी से कराएंगे या आपके ये कहे जनरल से कराएंगे, लेकिन हमने सोचा कि ये तो हम लोग डेली पढ़ते हैं या फिर पढ़ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए जाए जो हमने पढ़े नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने जो है न्यू क्वेश्चन आज करा रहे हैं आपको। जल्दी से आंसर कर दीजिए ए बी सी या फिर डी। बात करें यार सही आंसर की, आप लोग आंसर तो नहीं कर रहे, चलिए हम ही आंसर कर देते हैं इसका। इसका आंसर है आपका वर्षा या फिर कहे रेन। हमारी फसलों के लिए क्या जरूरी है, वर्षा ही तो जरूरी है ना।
तो यहाँ पर ऑप्शन ही सही आंसर हो जाता है, वर्षा या रेन। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, विच बैक्टीरियल डिजीज प्रीमियरली अफेक्ट्स पोल्ट्री एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा जीवाणु रोग मुख्य रूप से मुर्गी पालन को प्रभावित करता है और श्वसन और पाचन संबंधी लक्षणों से पहचाना जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी फूट एंड माउथ डिजीज या खुरपका या मुंहपका रोग जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी न्यू कैस्टले डिजीज या न्यू कास्टले रोग, ऑप्शन डी ब्रुसेलोसिस। यहां पर सही उत्तर क्या होगा? विच बैक्टीरियल डिजीज प्रीमियरली अफेक्ट्स पोल्ट्री एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिम्टम। कौन सा जीवाणु रोग मुख्य रूप से मुर्गी पालन को प्रभावित करता है और श्वसन और पाचन संबंधी लक्षणों से पहचाना जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। यहां पर देखो जैसे आपका फूट एंड माउथ डिजीज है, एफएमडी तो आपका कैसा है, वायरल रोग है। ठीक है, और न्यू कैस्टले डिजीज भी आपका कैसा रोग है, वायरल रोग है। ठीक है, तो बैक्टीरियल में केवल आपका केवल ए बचता है एंथ्रेक्स, बैक्टीरियल में आपका एंथ्रेक्स बचता है और ब्रुसेलोसिस बचता है। तो इन दो ऑप्शन में से आपका आंसर है, जल्दी से ए या डी में से आंसर कर दीजिए। एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरियल है, ब्रुसेलोसिस जो है बैक्टीरियल है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि कौन सा जीवाणु रोग मुख्य रूप से मुर्गी पालन को प्रभावित करता है और श्वसन और पाचन संबंधी लक्षणों से पहचाना जाता है। बेसिकली जो आपका रेस्पिरेटरी, मतलब कि ये कहें कि श्वसन तंत्र को जो प्रभावित करता है वो है आपका एंथ्रेक्स। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका है वो आपका क्या है, एंथ्रेक्स। ठीक है, तो एंथ्रेक्स जो है जीवाणु रोग मुख्य रूप से मुर्गी पालन प्रभावित करता है और श्वसन और पाचन संबंधी लक्षणों से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर आपका हो जाता है, ऑप्शन ए एंथ्रेक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, Which micronutrient deficiency in plants can lead to the condition known as little leaf? यहाँ पर little leaf होना, little leaf. Which micronutrient deficiency in plants can lead to the condition known as little leaf? पौधों में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से छोटी पत्ती नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है? ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम के कारण, कमी के कारण, ऑप्शन बी कॉपर की कमी के कारण, ऑप्शन सी है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन डी बोरॉन की कमी के कारण। जल्दी से आंसर कर दो, पौधे के किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से छोटी पत्ती नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है? ए मॉलिब्डेनम, बी कॉपर, सी जिंक या फिर डी बोरॉन। क्या होगा यहां पर सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ये देखो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आंसर कीजिए, बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पर सही आंसर होता है जिंक। जिंक की कमी से आपका जो लिटिल लीफ रोग या फिर कहे छोटी पत्ती जो रोग होता है वो किससे होता है, आपका जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पीज एंड बीन्स, मटर और सेम जैसे फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? ऑप्शन ए राइजोबियम, बी माइकोराइजा, सी स्ट्रेप्टोमाइसिस या फिर डी क्लस्ट्रोलियम। बताइए बच्चों क्या होगा सही आंसर, मटर और सेम जैसे फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो आप लोगों को पता होगा ना, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पीज एंड बीन्स। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी? आप लोग गलत उत्तर कीजिए, चाहे उत्तर कीजिए, ठीक है, आंसर गलत कीजिए लेकिन आंसर कीजिएगा। बात करें यहाँ सही आंसर की, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राइजोबियम। राइजोबियम बेसिकली आपका जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है,
जो आपके लेग्यूमिनस या फिर कहें दलहनी फसलें या फिर फलीदार जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कौन से बैक्टीरिया आपके राइजोबियम सूक्ष्मजीव या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया। यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, बिल्कुल सही अंजलि जी आपने सही आंसर कर दिया है, राइजोबियम। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ फार्म मशीनरी इज यूज्ड फॉर डिगिंग टर्निंग एंड लूजनिंग सोयल बिफोर प्लांटिंग। रोपण से पहले मिट्टी को खोदना, पलटने और ढीला करने के लिए किस प्रकार की कृषि मशीनरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सीडर, ऑप्शन बी है आपका हार्वेस्टर, ऑप्शन सी है प्लाउ, ऑप्शन डी है टिलर। सही आंसर किया आप दोनों ने ही सेजल और अंजलि, ऑप्शन ए सही था पिछले वाले क्वेश्चन का। व्हाट टाइप ऑफ फार्म मशीनरी इज यूज फॉर डिगिंग टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल बिफोर प्लांटिंग। रोपण से पहले मिट्टी को खोदने, पलटने और ढीला करने के लिए किस प्रकार की कृषि मशीनरी का उपयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए सीडर, बी हार्वेस्टर, सी प्लाउ या फिर डी टिलर। बेसिकली देखो सीडर तो नहीं होगा क्योंकि सीडर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बीज को बोने के लिए करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टर भी नहीं होगा क्योंकि इसको कटाई के लिए प्रयोग किया जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लाउ हो सकता है या टिलर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि मिट्टी को पलटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपका, बेसिकली किसका किया जाता है, प्लाउ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका प्लाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्लाउ। प्लाउ का प्रयोग जो है मिट्टी को खोदने, पलटने और ढीला करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी प्लाउ यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर, इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन व्हाट मेथड इन्वॉल्व द डायरेक्ट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड। कृषि विस्तार में किस विधि में क्षेत्र में नई कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन शामिल है। अंजलि जी यहाँ पर ड्रिल नहीं होगा आपका, ऑप्शन सी जो है आपका प्लाउ होगा। ठीक है, 18 का क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी होगा, डी नहीं होगा। तो कृषि विस्तार में किस विधि में क्षेत्र में नई कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन शामिल है। ऑप्शन ए लेक्चर भाषण, ऑप्शन बी वर्कशॉप या फिर कार्यशाला, ऑप्शन सी है फार्मर फील्ड स्कूल या फिर किसान क्षेत्र विद्यालय, ऑप्शन डी है ऑन फार्म ट्रायल या खेत पर परीक्षण, खेत पर परीक्षण। इसका 19 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जो है ए बी सी डी लिख रहे हो, आप देखो 19 जैसे 19 क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर ए बी सी लिखो तो और अच्छा लगेगा। क्या है कि 18 या 19 का पता ही चल पाया ना, क्या है हमारे पास लेट कमेंट्स आती हैं आपको। ठीक है, जो आप कमेंट्स करते हो चैट में वो आपकी लेट आती है, इस वजह से आप आंसर या फिर कहे क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर प्लस आंसर। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा, इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भाट मेथड इन्वॉल्व द डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड। कृषि विस्तार में किस विधि में क्षेत्र में नई कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन शामिल है। ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी वर्कशॉप या कार्यशाला, ऑप्शन सी फार्मर्स फील्ड स्कूल या किसान क्षेत्र विद्यालय, ऑप्शन डी है ऑन फार्म ट्रायल। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। बात करें यहां सही उत्तर की, यहां पर आपका सही आंसर हो जाता है आपका ऑन फार्म ट्रायल। जो आपकी न्यू टेक्निक आती है या फिर ये कहें जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, नई पद्धतियां आती है कृषि की, उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा ही कृषि मतलब कि उनका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑन फार्म ट्रायल जो है सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाट टर्म यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड इन अ फील्ड। किसी खेत में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशी लगाने की प्रथा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इरिगेशन सिंचाई, ऑप्शन बी टिलेज, ऑप्शन सी हर्बिसाइड एप्लीकेशन या शाकनाशी प्रयोग, ऑप्शन डी है क्रॉप प्रोडक्शन या फिर कहें फसल उत्पादन। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, ए इरिगेशन या सिंचाई, बी टिलेज या जुताई, सी हर्बिसाइड एप्लीकेशन या शाकनाशी प्रयोग, डी क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर, भाट टर्म यूज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग
हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड इन अ फील्ड, किसी खेत में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशी लगाने की प्रथा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इरिगेशन देखो होगा नहीं, टिलेज होगा नहीं, यहाँ पर देखो सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन सी, शाकनाशी प्रयोग या फिर कहें हर्बिसाइड एप्लीकेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है, हर्बिसाइड एप्लीकेशन या फिर कहें आपका शाकनाशी प्रयोग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, इफ द प्राइस ऑफ अ हाईली इलास्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड? यदि अत्यधिक लोचदार कृषि उत्पाद की कीमत 10% कम हो जाती है तो मांग की मात्रा में अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि क्या होती? बेसिकली अगर कि आपकी जो है मतलब कि ये कहे कि आपका जो प्राइस है या फिर कहे उत्पाद का जो प्राइस है उसको हमें अगर 10% कम कर देते हैं, ठीक है, 10% आपने प्राइस कम कर दिया तो आपकी जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड या फिर कहे मांग है तो उस चीज के लिए वो कितनी बढ़ जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी या फिर कहे बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 10% बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाता है 10% या 10%, ठीक है। यदि प्राइस आपका 10% घटता है तो आपका जो आपकी डिमांड है वो भी आपकी क्या हुई 10% बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पर 25% होगा नहीं, 200% होगा नहीं, 100% होगा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका 10% सही आंसर हो जाता है। ये आपका एप्पो एजीटी 2022 का सेकंड मीटिंग, सॉरी 2023 का सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर 10% सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन इन लाइव स्टॉक? पशुधन में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन या फिर डी आपका मिनरल्स या फिर खनिज। क्या होगा सही उत्तर? ए प्रोटीन्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन या फिर डी मिनरल्स। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन इन लाइव स्टॉक? पशुधन में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। आपके आंसर के लिए इंतजार कर रहे हैं हम, ठीक है, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए बात करें यहाँ सही उत्तर की। देखो यहाँ पर देखो प्रोटीन तो होता नहीं, प्रोटीन आपका जो है मतलब ये कहे कि आपकी हड्डियों और दांतों के निर्माण में एसेंशियली नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, यहाँ पर आपका जो एसेंशियल है वो है आपके मिनरल्स, जो आपका जो आपकी हड्डियां होती है या दांत होते हैं वो बने होते हैं आपके मिनरल्स से बने होते हैं, किससे बने थे, खनिज पदार्थों से बने होते हैं बेसिकली, ठीक है, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, खनिज पदार्थ है, आपने कहे आपका जो मिनरल्स होते हैं उनसे बने होते हैं आपके क्या आपकी जो सॉरी जो आपकी बोन्स है या टीथ है या फिर कहे हड्डियां हैं या फिर आपकी जो दांत है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिनरल्स या फिर खनिज जो है सही उत्तर हो जाता है, बी नहीं होगा यहाँ पर, आंसर होगा आपका मिनरल्स या फिर ऑप्शन डी, ठीक है, खनिज। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज? कृषि विस्तार सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित कराना। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर नॉलेज टू फार्मर, किसानों के लिए कृषि ज्ञान की लागत में वृद्धि। ऑप्शन सी है डिसेमिनेटिंग एग्रीकल्चर नॉलेज टू फार्मर्स, किसानों तक कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार करना। ऑप्शन डी है प्रमोटिंग अर्बन एग्रीकल्चर या शहरी कृषि को बढ़ावा देना। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी? देखो बेसिकली आपकी जो नेशनल ए पर कहे कृषि विस्तार जो आपकी सेवा है उसका प्राथमिक लक्ष्य जो है आपका यही होगा कि जो आपका एग्रीकल्चर में जो आपको मतलब कि किसानों तक कृषि के ज्ञान या फिर ज्ञान कृषि संबंधी ज्ञान को या फिर टेक्नोलॉजी को या फिर नॉलेज को क्या करना प्रसार करना या फिर कहें आपका डिसेमिनेट करना, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है, डिसेमिनेटिंग एग्रीकल्चर नॉलेज टू फार्मर, किसानों तक कृषि संबंधी ज्ञान का क्या करना प्रसार करना, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर 24। इन
precision agriculture. What is the primary purpose of variable rate application VR technology for fertilizers? परिशुद्ध कृषि में उर्वरकों के लिए परिवर्तनशील दर अनुप्रयोग या VRA प्रौद्योगिकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर कॉस्ट, उर्वरक की लागत कम करना. ऑप्शन सी बी है आपका इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, फसल की उपज में वृद्धि करना. ऑप्शन सी है इंस्टॉलिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, एक समान आवेदन सुनिश्चित करना. ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना. बेसिकली जब हमने प्रिसीजन फार्मिंग आपको बता रहे थे तो हमने कहा था टेक्नोलॉजी ड्राइव ने, या फिर कहे जो आपकी प्रौद्योगिकी संचालित जो आपकी कृषि है वो आपकी प्रिसीजन फार्मिंग. प्रिसीजन फार्मिंग क्या कहता है, एक मतलब जैसे जहां जहां आपको मान लो ये आपकी फील्ड है, यहाँ पर आपका रोग या किसी कीट का या फिर किसी बीट का इन्फेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने क्या कर दिया, हर्बिसाइड को या फिर कीटनाशक को अप्लाई कर दिया. मतलब कि हमने परिशुद्ध रूप में या प्रिसाइज रूप से जहां पर हमारा रोग लग रहा था, या चाहे आपका एक प्लांट हो या दस प्लांट हो, ठीक है, जहां पर हमारा रोग लग रहा था वहां पर हमने क्या कर दिया, पूरे खेत में ना हमने जो आपके इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग ना करके हमने उस जगह पर प्रयोग किया जहां पर हमारा रोग लग रहा था, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो आपका मतलब कि ये इसका जो प्रिसीजन फार्म या फिर कहें जो परिवर्तन दर अनुपयोग या फिर वीआरए प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य जो हो जाता है वो हो जाता है आपका इंश्योरिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन या फिर एक समान आवेदन को सुनिश्चित करना. जो आपका मतलब कि ये कहे कि जो आपके फर्टिलाइजर्स है या फिर कहे आपके इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड है उनको एक समान रूप से आपका जो है एप्लीकेशन या फिर कहे आपके फील्ड में अप्लाई करना. यहाँ पर देखो उर्वरक की लागत को कम तो करेगा नहीं, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, हाँ ये हो सकता है क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर दे, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, ये भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर जो है आपका बेसिकली आपको प्रिसीजन फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है वो एक समान आवेदन या फिर कहें जो आपका जो भी फर्टिलाइजर है या फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसको जो है एक समान रूप से जो है आपके खेत में पहुंचाना या फिर कहें यूनिफॉर्मली जो है ये कहें कि आपका ये कह सकते हैं कि अप्लाई करना या फिर कहें इंश्योरिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन. ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, ठीक है, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन एक समान आवेदन सुनिश्चित करना. क्लियर, आगे चलते हैं अगला प्रश्न. What is the term for the ability of soil to supply essential nutrient to plant in adequate amount? पौधों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की मिट्टी की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन बी सॉइल पीएच, ऑप्शन सी सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन डी सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना. ये तो देखो अभी अभी हम पढ़ा के आए हैं, आपको सॉइल साइंस पढ़ा रहे थे, ठीक है, जल्दी से आंसर कर दो ए बी सी या फिर डी. What is the term for the ability of soil to supply essential nutrients to plants in adequate amount? पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने की मिट्टी की क्षमता को क्या कहते हैं? देखो पीएच आपने पढ़ा हुआ है, सॉइल टेक्सचर पढ़ा हुआ है, मृदा संरचना पढ़ी हुई है, अगर कि आपको इन सब की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इसमें जो है आंसर कर सकते हो इसका. बताइए सर क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, ए बी सी डी. इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे इसका आंसर, जल्दी से आंसर कर दीजिए. ए बी या फिर सी या फिर डी क्या होगा राइट आंसर यहां पर. बात करें सही उत्तर की, इतना इजी आंसर नहीं दे पा रहे आप लोग. देखो मिट्टी की पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है ना उसे सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं या मृदा उत्पादकता कहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपके पौधों के लिए आवश्यक तत्व है उनको प्रदान करने की क्षमता, किसकी, मिट्टी की क्षमता, वो क्या आपके क्या कहलाती है, सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है, मृदा उत्पादकता कहलाती है. तो यहाँ पर देखो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उत्पादकता, ऑप्शन सी. यहाँ पर देखो सॉइल टेक्सचर या फिर कहें सॉइल मृदा कणाकार जो होता है वो आपके जो सैंड सिल्ट या क्ले है, ठीक है, सैंड सिल्ट या फिर ये कहें आपके क्ले की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है. मृदा कणाकार जो मिट्टी के कण है या फिर जो आपके कण कण होते हैं या फिर कहें सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, उनके आकार को दर्शाता है, कौन आपका मृदा कणाकार या फिर कहें कणों के आकार को, सॉइल टेक्सचर. सॉइल पीएच आपका सैलिनिटी, एल्कलिनिटी और एसिडिटी को बताता है, ठीक है. सॉइल फर्टिलिटी आपका पौधों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक
पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, मिट्टी की क्षमता होती है, ठीक है। और सॉइल स्ट्रक्चर या फिर कहें मृदा की बनावट या संरचना, चाहे आपका प्लेटी हो, चाहे क्रम्बी हो, ठीक है, चाहे आपका जो है ब्लॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मृदा की संरचना या फिर कहें मृदा की बनावट को कौन बताता है, आपका सॉइल स्ट्रक्चर बताता है। तो यहाँ पर जो आप एलिमिनेट भी करते ना आप लोग, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका आ जाता सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि आपको जो भौतिक गुण जो है मृदा के भौतिक गुण आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेटिंग एग्स टू हैच चिक्स, चूजों को सेने के लिए अंडे सेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रूडिंग, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन, ऑप्शन डी है यहाँ पर वैक्सीनेशन। देखो यहाँ पर वैक्सीनेशन तो होगा नहीं, कलिंग भी नहीं होगा, क्योंकि कलिंग मीन्स होता है आपका बेसिकली या एक है कि झुंड से कोई चीज या फिर कोई पक्षी को या पशु को अलग कर दिया, बेसिकली हटा देना, कलिंग कहलाता है। टीकाकरण होगा नहीं क्योंकि वैक्सीनेशन यहाँ पर वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए दो ए और बी सी में से क्या आंसर होगा, ब्रूडिंग होगा, इंक्यूबेशन होगा। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेटिंग एग्स टू हैच चिक्स, चूजों को सेने के लिए अंडे सेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए बी सी या फिर डी, सही उत्तर क्या होगा। सी इंक्यूबेशन इसका आंसर, रियलिटी बताऊं क्या है, ब्रूडिंग है। आपने देखा होगा कि जब इनिशियली स्टेज में जब अंडे डेवलप होते हैं, जब एग डेवलप होते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है जो मुर्गी होती है वो अंडे के ऊपर बैठ जाती है, बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती, उसे हम ब्रूडिंग कहते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन तब कहलाता है जब आपके मतलब कि ये कहें कि जब आपके चूजे बाहर आ जाते हैं, या फिर ये कहें कि आपका 20 ये कह सकते हैं कि आपके जब चूजे बाहर आ जाते हैं, ठीक है, अंडों से, तो उससे जब उन्हें आर्टिफिशियली हीट दी जाती है वो आपका इंक्यूबेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ब्रूडिंग चूजों को अंडे से सेने की प्रक्रिया में कहा जाता है ब्रूडिंग, ठीक। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए ब्रूडिंग सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंपोस्टिंग इन एग्रीकल्चर, कृषि में खाद बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए पेस्ट कंट्रोल, बेसिकली एक मिनट, आप लोग इसका आंसर सही कर रहे हैं, क्योंकि ब्रूडिंग बेसिकली क्या है कि जब आपके जो मतलब कि जैसे जो आप चिक्स होते हैं, सॉरी इसकी डेफिनेशन हमने उल्टी बता दी, यहाँ पर आंसर आपका इंक्यूबेशन होगा, सॉरी इसका आंसर इंक्यूबेशन ही होगा। बेसिकली क्या है ब्रूडिंग, यहाँ पे ब्रूडिंग आंसर नहीं होगा, ब्रूडिंग आपका जो चिक्स होते हैं उनको जो है आर्टिफिशियल हीट देने की, जब मतलब शुरुआती स्टेज में आपको जो है आर्टिफिशियल हीट जाती है उसे ब्रूडिंग कहा जाता है। बेसिकली आपको जो पीछे इमेज में चिक्स दिख रहे हैं ये आपके सेम एज के ब्रूड्स है, या फिर क्या ब्रूड है, ठीक है। तो इनको जो आपकी आर्टिफिशियल हीट जाती है वो ब्रूडिंग कहलाती है। और बच्चों को मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड जब होता है, जब मतलब कि चूजों को सेने के लिए अंडे सेने की प्रक्रिया को आप इंक्यूबेशन या फिर कहें इंक्यूबेशन प्रोसेस जो होती है, या फिर कहें प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेटिंग एग्स, वो आपकी इंक्यूबेशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी मुझे बाद में ध्यान आया क्योंकि क्वेश्चन ऐड कर रहे थे तब ध्यान नहीं दिया मैंने। आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंपोस्टिंग इन एग्रीकल्चर, कृषि में खाद बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कीट नियंत्रण या पेस्ट कंट्रोल, ऑप्शन बी सोयल स्टेरिलाइजेशन या मृदा बंधनकरण, ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, ऑप्शन डी केमिकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या रासायनिक उर्वरक का उत्पादन। बेसिकली यहाँ पर जो सही उत्तर, AGTA कब आ रहा है, 20 तारीख तक का वेट कर लीजिए, AGTA का नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसमें क्यों बड़े रहते हो कि AGTA की वैकेंसी कब आएगी, AGTA की वैकेंसी का काम चल रहा है, ठीक है। आयो गए थे दिवाली के पहले कुछ लोग, तुमने बताया है कि AGTA आपकी वैकेंसी पर काम, आयो ने बताया कि आपकी वैकेंसी पर टाइम मतलब काम चल रहा है, दिवाली बाद आने के चांसेस है, या फिर कहे आपकी 20 तारीख तक आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर कर दो आप तुम, जेनस बर्ड। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंपोस्टिंग इन एग्रीकल्चर, कृषि में खाद बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बेसिकली आपका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा कार्बनिक पदार्थों का, या फिर कहे आपका
ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन या फिर कार्बन पदार्थों का अपघटन, ऑप्शन सी आपको सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन है आपका, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बी कॉज पुअर प्लाउइंग परफॉर्मेंस, निम्नलिखित में से किस खरपतवार के भारी संक्रमण के कारण जुताई का प्रदर्शन खराब हो जाता है? ऑप्शन ए इकोनोक्लोवा कोलोनम, ऑप्शन बी साइप्रस रोटेंडस, ऑप्शन सी साइनोडोन डैक्टाइलोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। गुड इवनिंग विकास जी, सही आंसर बताइए। हैवी इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बीट कॉजेस पुअर प्लाउइंग परफॉर्मेंस, निम्नलिखित किस खरपतवार के भारी संक्रमण के कारण जुताई का प्रदर्शन खराब हो जाता है? ए इकोनोक्लोवा कोलोनम या बी साइप्रस रोटेंडस, बी सी साइनोडोन डैक्टाइलोन या फिर डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। बात करें सही उत्तर की, सी विकास जी सी सही कह रहे हैं, इसका आंसर आपका सी है साइनोडोन डैक्टाइलोन। ठीक है, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बीट कॉज पुअर प्लाउइंग परफॉर्मेंस, तो वो है आपका साइनोडोन डैक्टाइलोन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 29 है, बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी द बीड इज क्लासिफाइड इनटू, आकृति विज्ञान के आधार पर खरपतवार को वर्गीकृत किया जा गया है। ऑप्शन ए ग्रासेस में घास, ऑप्शन बी सेजेस, ऑप्शन सी है आपका ब्रॉड लीफ बीड्स या फिर ऑप्शन डी एलोपैथी या फिर कहें उपरोक्त सभी। बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी द बीड इज क्लासिफाइड इनटू, आकृति विज्ञान के आधार पर खरपतवार को वर्गीकृत किया जा सकता गया है। ए ग्रास, बी सेज, सी आपका ब्रॉड लीफ बीड या फिर कहें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, डी ऑल ऑफ द अबव या फिर कहें ऑल ऑफ दी या उपरोक्त सभी। बेसिकली इसका आंसर आप सभी को पता है, मोर्फोलॉजी यानी बनावट के आधार पर, ऑप्शन डी विकास जी सही आंसर है आपका, ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त सभी जो आपके ब्रॉड आकृति के आधार पर वर्गीकरण है। ग्रास भी आपका मतलब की जो आपकी मतलब आकृति कैसी होती है, आपकी मतलब नुकीली होती है। सेजेस हो गए आपके ब्रॉड लीव या फिर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। आगे चलते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड लीव बीड एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के उदाहरण है। ऑप्शन ए फ्लेवरेरिया ऑस्ट्रेलेसिका, ऑप्शन बी है आपका डिजेरिया अरबेंसिस, ऑप्शन सी है एब्यूटिलोन इंडिकम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी या फिर ये सभी। क्या होगा एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉड लीव बीड्स एज या फिर कहें चौड़ी पत्ती वाले खतरे वालों के उदाहरण है। ए फ्लेवेरिया ऑस्ट्रेलेसिका या फिर बी डाइजेरिया अरवेंसिस या फिर सी एप्टिलोन इंडिकम या फिर डी ऑल ऑफ दी इनमें उपरोक्त सभी या फिर कहें ए सभी। जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी डी। बिल्कुल सही आंसर विकास जी, यहाँ पर आपका आंसर भी क्या है ऑल ऑफ दीज है, ये सभी है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है, मिलते हैं कल आपका शाम को 5 बजे, कल भी आपकी सेम टाइम क्लास रहेगी 5 बजे। ठीक है, तो आप लोग अगर रिकॉर्डेड देख पाओ तो रिकॉर्ड देख लेना, लेकिन उसमें भी क्या करना कि आंसर करते जाना लाइव चैट देखो, अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते ना इसको तो भी आपकी लाइव चैट चलती रहती है। ये बताइए कि सेशन कैसा लगा आज का, क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन बढ़िया थे कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के दिए, कमेंट कर दो सेशन कैसा लगा, फिर मीटिंग को ऐड करते हैं। और बाकी कोचिंग वालों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग आज लेट हो गया था, कोई बात नहीं विकास जी, आज मतलब कि 5 बजे थोड़ा सा क्या हुआ कि मैंने 5 बजे का किया था अनाउंस, थोड़ा सा माइक की दिक्कत हो गई थी इस वजह से लेट हो गया था। आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं लास्ट में। और कोचिंग वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है, आप लोग आंसर कीजिए चाहे गलत कीजिए, ठीक है। और आज सभी लोग ऐड नहीं हुए, 2-3 लोग या फिर 4-5 क्वेश्चन, अच्छा 4 क्वेश्चन तक की लाइव है, कोई बात नहीं विकास जी, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।